नमस्कार दोस्तों, वास्तु के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वास्तु क्या चीज है। वास्तु और मनुष्य पंच तत्वों से बना है। वास्तु का मुख्य आधार ही फाइव एलिमेंट्स हैं। इन पंच तत्वों को विभिन्न देशों में अलग-अलग ढंग से जानने का व्याख्यान है, लेकिन ये श्योर है कि जहां भी कहीं भी विद्या है, हमें उसको अपनाना चाहिए। जैसे मनुष्य अगर बीमार होता है तो सिंपल सा मेथड है कि पंच तत्व का ही इनबैलेंसिंग होता है। अगर घर में कोई समस्या आती है तो पंच तत्वों को ही इनबैलेंसिंग होती है। मान लो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो कि अगर उत्तर में, नॉर्थ में अगर रेड कलर आ जाए या फायर एलिमेंट्स आ जाए तो क्या होएगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि उत्तर, नॉर्थ, जो कि कुबेर जी की जगह है, वहां पर अग्नि तत्व जैसे ही आता है तो कुबेर जी की कृपा बंद हो जाती है, यानी कि धन की कमी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए वास्तु का बहुत जबरदस्त रोल पंच तत्वों में छिपा है। इन पंच तत्वों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बगैर पंच तत्वों को जाने समझे हम वास्तु की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं पंच तत्वों का आधार क्या है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि सबसे पहले ईश्वरी तत्व यहां पर आया, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा तत्व है। उसी ईश्वरी, उसी ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा, ईश्वर, जहां हम कह सकते हैं ईश्वरी तत्व से ही आकाशीय तत्व पैदा हो गया, जिसे हम कहते हैं स्काई एलिमेंट्स। आकाशीय तत्व से वायु तत्व पैदा हुआ, मैंने एयर एलिमेंट्स। वायु तत्व से पैदा हुआ अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट्स। अग्नि तत्व से पैदा हुआ जल तत्व, वाटर एलिमेंट्स। जल से बना पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट्स। हो पृथ्वी से बनी औषधि और औषधि से बना मनुष्य। ऐसा वर्णन है कि ईश्वर से बना आकाश, आकाश से बनी वायु, वायु से बनी अग्नि, अग्नि से बना जल, जल से बनी पृथ्वी, पृथ्वी से बना बनी औषधि और औषधि से बनिया मनुष्य। लेकिन इसको हमें गौर से समझना है। अगर हम अभी हम जाते हैं फेंग शुई में, फेंग शुई में क्या वर्णन है इसके बारे में, थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन अब अगर हम बड़े गौर से देखेंगे तो ये भी वास्तु का ही अभिन्न अंग है, उसी से ही निकला है। फेंगशुई के ग्रंथों में दो तत्वों का थोड़ा डिफरेंस आती है, मेटल और वुड, जिसको कि भारतीय वास्तुशास्त्रियों ने एयर और स्काई ले लिया। फेंगशुई के अनुसार अब हम गौर करते हैं, इस चीज को हमने समझना है। इस चीज को बगैर इसको समझे हम इसकी बैलेंसिंग ही नहीं कर सकते। हमने पंच तत्वों को फेंगशुई की परिभाषा भी समझनी है, हमने पंच तत्वों को वास्तु की परिभाषा भी समझनी है, हमने जो भारतीय के प्राचीन सिस्टम को समझना है। एज पर फेंग शुई, जल से लकड़ी बनी, वुडन। लकड़ी को भारतीय वास्तुशास्त्रियों ने एयर एलिमेंट्स बोला है। जो जल होता है वो नॉर्थ में होता है, यानी कि जल से बनी लकड़ी ये आ गया ईस्ट में, राइट हैंड जाएगा। ईस्ट से
फिर मूव करेगा साउथ की तरफ। लकड़ी एयर एलिमेंट्स कह दें, एयर एलिमेंट से बना फायर एलिमेंट्स, फायर से बनी पृथ्वी, पृथ्वी से बना आकाश स्काई एलिमेंट्स, और आकाश से बना जल। ये धारणाएं फेंगशुई हमें देता है। इसमें कोई निसंदेह कि बहुत से वास्तुशास्त्री इसके ऊपर काम कर रहे हैं, दो धाराएं हैं। पहली मैंने बोला था भारतीय पारंपरिक जो हमारे ग्रंथों में वर्णन है, दूसरी है मैं बता रहा हूं कि जो फेंगशुई में वर्णन है। दो विभिन्न विचारधाराएं इस समय चल रही हैं। हम जब तक हम इन दो विचारधाराओं को में समझेंगे नहीं कि इससे हम कैसे इसको मदद ले सकते हैं, तब तक कहीं ना कहीं हम वास्तव में अछूते हैं। आज मैं आपकी मदद करूंगा इन विचारधाराओं को समझने की, फेंगशुई के मूल सिद्धांतों या वास्तु के मूल सिद्धांतों को, पंच तत्वों को समझने की, और कैसे इसको घर में ठीक करना है। अभी मैं बात कर रहा था फेंगशुई की। फेंगशुई में पंच तत्वों को कैसे बैलेंसिंग करना बताया गया है, हमने इसको समझना है इस चीज को। अभी जो हमारा नॉर्थ होता है, मैंने पहले बताया है कि वहां पर हमारा जल तत्व होता है। अगर जल पौधे में पड़ता है तो पौधा लकड़ी बन जाती है। अगर जल पौधे में नहीं पड़ेगा तो पौधा लकड़ी नहीं बन सकेगी, यानी कि जल क्रिएट कर देता है लकड़ी को। यहां पर लकड़ी है जो एयर एलिमेंट्स पूर्व में है, और इसका रंग हरा ग्रीन रंग है, और जल का रंग है स्काई ब्लू, या हम कह सकते हैं इसको हल्का सा डार्क ब्लू लाइट उसके माध्यम में भी कह सकते हैं हम लोग। लकड़ी अगर अग्नि में जाए तो अग्नि उतनी ही भड़कती है, जहां हम कह सकते हैं कि वायु अगर बगैर वायु के अग्नि बुझ जाती है, यहां पर वायु ने बनाई अग्नि इस थ्योरी में। अगर हम फर्स्ट थ्योरी को लेते हो वहां भी यही आ रहा है, लेकिन अभी हम इसी अगर इसी थ्योरी में हम इसी थ्योरी में ही समझने का प्रयास करना है। आपने देखा होगा कि अगर कहीं अग्नि जल रही है तो अगर वायु बहुत ज्यादा तेज कर दें तो वायु क्या होगी, उतनी तेजी से आएगी। जैसे कई फैक्ट्रीज में टेम्पर की मशीन्स होती हैं, कई भट्टियां होती हैं बहुत ज्यादा, तो जब तक वायु नहीं करते तब तक वो अग्नि का तापमान बढ़ता नहीं है। लेकिन अगर वायु ना होए तो अग्नि बुझ जाती है, समझ लो। यानी कि यहां पर वायु ने ही अग्नि को जन्म दिया। अब अग्नि जब जल जाती है, वो अपने पास कुछ भी चीज है, जैसे लकड़ी को जला दिया उसने, लकड़ी अग्नि में पड़ी तो अग्नि ने लकड़ी को जला दिया। जैसे ही अग्नि ने लकड़ी को जलाया तो उस जब अग्नि बुझेगी तो लकड़ी राख बन जाएगी, यानी कि ये अर्थ एलिमेंट्स हो गया, पृथ्वी तत्व हो गया। पृथ्वी के ऊपर जो भी है उसे आकाश बोलते हैं, जो पृथ्वी के ऊपर आकाश तत्व बोलते हैं। जब हम अगर फेंगशुई की बात करें तो पृथ्वी से अगर मेटल निकलता है तो पृथ्वी से मेटल बना, उन्होंने ऐसे बोला है। लेकिन यहां पर भारतीय वास्तुशास्त्रियों ने मेटल को आकाशीय तत्व बोला है। अब आकाश की बात करें, आकाश से फिर जल बन जाता है, या अगर मेटल की बात करें, मेटल को अगर बहुत गर्म किया जाए तो वो भी जल बन जाता है। इस तरह जो सर्कल है पंच तत्वों का, ये ऐसे घूम रहा है, मतलब इसे बोलते हैं सर्कल ऑफ पंच तत्व। लेकिन अगर हर सर्कल अपने से तीसरे में स्वतंत्रता पैदा करता है, यानी कि कभी भी कोई भी एलिमेंट्स अगर अपने से तीसरे में आ जाए तो समझ लो वहां पर इनबैलेंस हो गया। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको,
अगर जल आ गया साउथ ईस्ट में, इट्स ओके, तो क्या होएगा? इनबैलेंस हो गया। यहीं पर हमें बात करता हूं कि जल तत्व का कलर कौन सा है? ब्लू कलर। ब्लू कलर अगर साउथ ईस्ट में आ जाएगा तब भी इनबैलेंस हो गया, परिणाम क्या होएगा? साउथ है नगद कैश का, उसमें प्रॉब्लम आएगी, जहां घर में झगड़े बढ़ेंगे। इसी तरह अगर अग्नि तत्व स्काई में आ जाए, यानी कि वेस्ट में आ जाए, वेस्ट में आ जाए तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी तरह अगर अर्थ एलिमेंट्स अपने से तीसरे में आ जाए, नॉर्थ में आ जाए, अर्थ एलिमेंट्स तो हैवी हो गया ना, अगर अर्थ एलिमेंट्स अपने से तीसरे में आ गया, नॉर्थ में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, अर्थ एलिमेंट्स आ गया, तो क्या होएगा? तब भी समस्या आएगी। इसी तरह अगर स्काई एलिमेंट्स पूरब में आ जाए तब भी समस्या बढ़ेगी। इस चीज को समझना है कि नॉर्थ अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी आए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी आ जाए, एज पर शेप्स, एज पर कलर्स, एज पर स्थिति, किसी भी पोजीशन पर आ जाए तो समस्या हमें पैदा करेगा। मैं एग्जांपल बता रहा हूं शेप्स की। जैसे एयर एलिमेंट्स, जिसे हम वुडन या एयर एलिमेंट्स बोलते हैं, उसकी जो शेप्स है रेक्टेंगल में आ जाती है, रेक्टेंगल या कलर्स ग्रीन आ जाता है। दोनों ही अपने से तीसरा कहां आ गया? अपने से तीसरा आ गया ये साउथ वेस्ट में। अगर रेक्टेंगल शेप्स साउथ वेस्ट में होगी तब भी समस्या पैदा करेगा, ग्रीन रंग हो जाएगा तब भी समस्या पैदा करेगा। इसी तरह मैं बात करता हूं वेस्ट में स्काई एलिमेंट्स की। स्काई एलिमेंट्स अगर पूरब में आ जाए तो ये, इसे हम राउंड भी बोलते हैं, इसकी शेप्स शेप्स इफेक्ट्स बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है। अगर राउंड, अगर मान लो किसी ने क्लॉक लगाई हुई है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, राउंड अगर पूरब में लगाई हुई है तो क्या होएगी? क्या ये सही है या गलत है? राउंड क्लॉक यहां पर बहुत बुरा रिजल्ट पूरब में देगी, लेकिन यहां पर अगर राउंड क्लॉक वुडन की होगी तो इतना बुरा रिजल्ट नहीं देगी। यहां पर अगर क्लॉक पूरब में क्लॉक रेक्टेंगल होएगी और वुडन की होएगी और बहुत बढ़िया रिजल्ट देगी। ये इसको शेप्स इफेक्ट्स बोलते हैं, कलर इफेक्ट्स बोलते हैं। अगर आप किसी घर में जाते हो, सबसे पहले देखिए कि इस घर में जो पेंटिंग्स लगी है, कलर्स लगे हैं, जो कैसे किस पोजीशन पर है। हमने स्ट्रक्चर वास्तु को बाद में देखना है, सबसे पहले हमने इंटीरियर वास्तु को ठीक करना है। अब अगर हम जाते ही हम ऐसे बोल दें कि डिमोलिश कर दो, ये कर दो, हमने अभी स्टार्टिंग में ऐसा नहीं सोचना। स्टार्टिंग में हमने इस चीज को, हमने बैलेंसिंग करना है, जहां पर जो तत्व इनबैलेंस है उसको ठीक करना है। सबसे पहले हमने देखना है समस्या क्या है, उसी के अनुसार हमने इस पंच तत्वों को बैलेंस करना है। मान लो अगर एग्जाम्पल है कि दो तत्व आपस में मिले हुए हैं, पहला और तीसरा, तो उसका क्या उपाय है? अगर कोई पहला और तीसरा तत्व मिला हुआ है तो उसके बीच का तत्व वहां पर हमने एक्टिव करना है। इन केस ऐसा भी पॉसिबल है कि आप तो उस तत्व को हटा ही नहीं सकते, तो आपने बीच का तत्व क्रिएट कर देना है। मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर जल और अग्नि का मिलन है तो वहां पर वुडन तत्व पैदा करना है आपने, वहां पर स्क्वेयर शेप पैदा कर दीजिए, वहां पर ग्रीन कलर पैदा कर दीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी, मैं आपको बता दूं कि हर एक तत्व अगले तत्व को पावर देता है और अगला तत्व पिछले तत्व को कमजोर करता है। अगर कोई ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपको लग रहा है कि यहां पर कोई तत्व हमें बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हुआ हुआ है, कोई भी तत्व है बैलेंस ही अच्छा लगता है। अगर कोई इनर एक्टिव है तो पिछला
ये क्लॉकवाइज तत्व को क्रिएट कर देना चाहिए, यानी कि पूरब में नॉर्थ के तत्वों को स्थापित करना सकते हैं हम लोग, अगर पूरब तत्व हमारा कमजोर नजर आ रहा है। लेकिन अगर वो तत्व बहुत बड़ा हुआ है, अगर वो तत्व बड़ा हुआ है तो हम अगले पिछले तत्व को एंटी क्लॉक तरह घुमा देंगे। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर इस चीज को हमने गौर से समझना है, अगर इसको समझना है हमने, तो इसके ऊपर हमें कम से कम 10-15 घरों का आप नक्शा लीजिए और प्रैक्टिकल देखिए भी किसी इस घर में मेरे कौन सा तत्व इनबैलेंसिंग है। सिंपल मेथड है कि जैसे ही आप इसको बैलेंस करोगे, इमीजिएटली 1-2 दिन के अंदर अंदर वो कहेंगे हमें बहुत रिलीफ है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये चैनल मेरा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास मेरे वीडियो पहुंचते रहें और वास्तु के बारे में अलग अलग टॉपिक्स में कुछ ना कुछ चैनल में डालता रहता हूँ, कुछ ना कुछ इसमें अपडेट करता रहता हूँ, ताकि आपको उसके बारे में पता चलता रहे। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।